और प्रशांत देव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए इस पूरे मामले पर। प्रशांत, लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें यहां से बढ़ती हुई नजर आ रही। 15 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट में तीनों की पेशी है, राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव और उनकी बेटी मीशा। जी विपनेश, देखिए जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ एक बार कि कोई भी जांच जब एजेंसी में ओपन होती है तो वो बहुत आसानी से बंद नहीं हो पाती, चाहे उसमें कोई आदमी बेल पे हो या मतलब जेल में हो या फिर बेल पे हो। जांच पड़ताल एक लंबी प्रक्रिया का हिस्सा होता है जो जिससे गुजरना पड़ता है जब तक कि अदालत का अंतिम फैसला ना आ जाए कि आपको बरी कर दिया गया या फिर आपको सजा दे दी गई, तो एक लंबी प्रक्रिया होती है। उसी सिलसिले में 15 मार्च को एक बार फिर समन जारी हुआ है, सीबीआई टीम कोर्ट में गई है लैंड फॉर जॉब स्कैम में, और 15 मार्च को कोर्ट ने समन किया। उसके पहले जो जानकारी मिल रही है सीबीआई सूत्रों से कि जांच अधिकारी कुछ और तथ्य इसमें इकट्ठा करना चाहते हैं, कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, हो सकता है कोई ऐसे दस्तावेज हो जिस पर दस्तखत कराने हो, तो इस वजह से सीबीआई की टीम आज पटना पहुंची है। जो जानकारी मिल रही है राबड़ी देवी के आवास पर वो पहुंची है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जो जानकारी हमको मिल रही है, ये जो सीबीआई की टीम वहाँ पहुँची है, ये किसी किस्म का रेड या सर्च का हिस्सा नहीं है। तो अगर कहीं वो सर्च और रेड नहीं है तो फिर हो सकता है कि दस्तावेज कोई मतलब कोई दस्तावेजी काम करना हो, कोई डॉक्यूमेंट। प्रशांत, मैं आ रही हूँ। नमस्कार, मैं हूँ मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।